क्या हुआ जब लॉकडाउन के दौरान अपने भक्त की चिंता को परेशानी को दूर करने स्वयं आ गए महादेव। जो हुआ उसे देखकर गांव के सभी लोग हो गए हैरान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव की एक ऐसी सच्ची चमत्कारिक घटना सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यह चमत्कारिक घटना जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, यह घटना हमें लिखकर भेजते हैं राजस्थान के देवपुरा गांव में रहने वाले संदीप जी पाटीदार। जी हाँ मित्रों, संदीप जी जब हमें यह घटना सुनाते हैं तो घटना को सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों संदीप जी हमें बताते हैं कि बात पिछले साल की है, जिस समय भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित हो चुका था। ऐसे में उस समय मैं सब्जी का व्यापार कर रहा था, यानी कि मैं प्रतिदिन सब्जी की ठेला गाड़ी लगाता था, गाड़ी तैयार करता था और गलियों गलियों में जाकर सब्जी बेच कर आता था। उसी से मेरा परिवार चलता था, उसी से मेरे घर दो रोटी आती थी जिसे खाकर मैं और मेरा परिवार शांति से गुजारा कर रहा था। ऐसे में आपको बता दूं कि मेरे घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 5 एवं 7 वर्ष के हैं। ऐसे में उन दोनों ही बच्चों के लिए कमाना और उनका पेट भरना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। मैं बहुत ही मेहनत से अपने परिवार के लिए मेहनत करता था, बहुत काम करता था ताकि उन्हें खुश रख सकूं, उनके सभी सपने पूरे कर सकूं। परंतु उसी समय भारतवर्ष में कोरोना ने दस्तक दे दी थी और कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया और पूरे ही भारतवर्ष को बंद करा दिया गया। ऐसे में हमारा छोटे जो व्यापारी थे जो कि सब्जियां बेचते थे, उनका धंधा तो लगभग बंद हो चुका था, पूरी तरीके से ठप हो चुका था, क्योंकि अब हमसे कोई भी सब्जी लेना पसंद नहीं करता था, कोई भी हमसे खरीदारी नहीं कर रहा था। हर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन खरीदारी करनी है, हर कोई बड़ी बड़ी जगहों से सामान मंगा रहा था जो कि घर लाकर सामान देकर जा रहे थे। ऐसे में मेरा और मेरे परिवार का गुजारा करना बहुत कठिन हो गया था, दिन पे दिन हमारी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। परंतु मैं बचपन से ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त ठहरा हूँ, यानी कि महादेव की मेरे ऊपर असीम कृपा रही है। भले ही मैं धन दौलत से थोड़ा कमजोर रहा हूँ, परंतु महादेव ने कभी भी मेरी किसी भी इच्छा को अधूरा नहीं रखा। कभी भी मुझे ऐसा दिन न दिखाया कि कभी मैं खुद से निराश हूँ या महादेव से निराश होकर शिकायत करूँ कि आपने मेरा यह काम पूरा ना करा। मैं अपनी जिंदगी से खुश था, महादेव के दर्शन कर कर प्रसन्न हो जाता था। परंतु लॉकडाउन का जो समय आया, कुछ दिन तो हमने जैसे तैसे बिता लिए, काट लिए, परंतु देखते ही देखते मेरे पास बचे हुए समस्त पैसे खत्म हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। ऐसे में अब घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था और बच्चे बहुत छोटे थे, उनका पेट भरना बहुत आवश्यक हो चुका था। और हम शहर से अलग एक गांव में रहते थे जहां तक मदद भी नहीं आ पाती थी, यानी कि कोई व्यक्ति दान पुण्य करने भी वहां तक नहीं आ पा रहा था। ऐसे में मैंने सोचा कि चाहे लॉकडाउन लग जाए, परंतु मुझे व्यापार तो करना पड़ेगा, मुझे सब्जी तो बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से अब मैं अपना घर चला सकूंगा, उसी से अब मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूंगा। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान भी मैंने सब्जियां खरीद कर पूरा अपना ठेला तैयार कर लिया और सब्जियां बेचने निकल पड़ा। परंतु सुबह से दोपहर हो चुकी थी और दोपहर से शाम, परंतु गाड़ी से कोई भी सब्जी नहीं खरीद रहा था, यानी कि मैं जो ठेला लेकर घूम रहा था, मेरी गाड़ी से कोई भी व्यक्ति सब्जियां नहीं खरीद रहा था। ऐसे में देखते ही देखते शाम तक का समय बीत चुका, मेरा 100 रुपये का भी व्यापार नहीं हो पाया। मैं देखता हूँ कि सामने एक गौ माता बहुत ही बेसहारा भूखी बैठी है, उसे देखकर मुझे दया आ जाती है और मैं अपने ठेले में से कुछ सब्जियां ले जाकर गौ माता को खिला देता हूँ। भले ही उसके मुझे रुपए ना मिले, पैसे ना मिले, परंतु वह कर कर मुझे बहुत शांति मिली। ऐसे में मैं अपना उदास चेहरा लेकर आकर एक महादेव मंदिर के बाहर बैठ जाता हूँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आज तक
कोई ऐसा दिन आपने नहीं दिखाया जिस दिन मैंने आपसे शिकायत करी हो, परंतु आज मैं आपके सामने आकर शिकायत कर रहा हूँ कि कृपया मेरी यह सब्जियाँ बिकवा दीजिए ताकि मैं कुछ पैसे कमा कर घर जा सकूँ और परिवार वालों को खाना खिला सकूँ। ऐसे में देखते ही देखते बहुत देर हो चुकी थी, लगभग रात का समय होने आया था। अब घर जाने का समय आ चुका था, परंतु मैं घर जाने में हिचकिचा रहा था कि आखिर क्या मुँह लेकर मैं घर जाऊँ। उसी समय मैं देखता हूँ कि मंदिर के सामने एक व्यक्ति आता है और आकर पूछता है कि भैया कोई है, यानी कि वह मेरे ठेले के पास आकर खड़ा होता है और पूछता है कि क्या कोई है जो मुझे यह सब्जियां दे पाएगा। ऐसे में भागा भागा दौड़ा दौड़ा जाता हूँ और उससे बात करता हूँ, तो वह व्यक्ति मुझे कहता है कि तुम्हारे ठेले में रखी हुई समस्त सब्जियां मैं खरीद रहा हूँ और आने वाले समय तक जब तक भारतवर्ष में लॉकडाउन रहेगा, जब तक पूरी तरीके से सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता, हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन बड़ा बड़ा भंडारा यानी कि बहुत बड़े स्तर पर खाना हमारी ओर से गरीबों में बंटने वाला है, तो प्रतिदिन मुझे इससे भी 10 गुना ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत लगने वाली है। तो ऐसे में मुझे जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक पूरा भारत देश नहीं खुल जाता, उस समय तक तुम इससे भी ज़्यादा 10 गुना सब्जियां लाकर मुझे प्रतिदिन मेरे गोडाउन पर देते रहोगे। उन्होंने उनके गोडाउन का पता दिया और मुझे 20,000 रुपये एडवांस दिए। सच बताऊं तो मैंने अपने जीवन में 20,000 रुपये कभी देखे भी नहीं थे। ऐसे में वह रुपए देखकर मैं बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया और उसके बाद से मैं प्रतिदिन जब तक लॉकडाउन चलता रहा, मैं रोज उनके घर जाता हूँ, उनके गोडाउन जाता हूँ और उससे भी ज़्यादा 10 गुना सब्जियाँ बहुत बड़े गाड़े में जाकर उन्हें देकर आता हूँ। और सच बताऊँ तो उस दिन जब मैं घर लौटा तो बहुत खुशी खुशी गया और मेरे घर में इतना सामान था कि अब हम पूरे लॉकडाउन आराम से शांति से बैठ कर खा सकते हैं, मेरे बच्चों को भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में हो ना हो उस समय मेरी अर्जी महादेव ने सुन ली थी, मेरी प्रार्थना महादेव ने सुन ली थी और किसी ना किसी रूप में महादेव ने आकर मेरे और मेरे परिवार की सहायता करी और आज उन्हीं के कारण हम स्वाभिमान से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, संदीप जी द्वारा भेजी गई यह चमत्कारी घटना आपको कैसी लगती है, आपके मन की बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही रोजाना ऐसी ही चमत्कारी घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।